जय बाबा की भक्तों, आज रामदेवरा पैदल यात्रा का तीसरा दिन है और हमें बीकानेर क्रॉस करना है 3 घंटे में। ये है बीकानेर की गलियां, गलियां नहीं सड़कें। अंधेरा है बाहर, पीछे दूर तक नज़र आएगा आपको, फिर भी भक्त लोग चले जा रहे हैं बिना थके बिना रुके। सुबह 3 बजे रवाना हो गए थे, सुबह 3 बजे खाटू श्याम मंदिर से रवाना हुए हैं, पहुंच चुके हैं म्यूजियम सर्किल और सभी भक्त दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बाबा से मिलने के लिए बेताब हैं। म्यूजियम सर्किल के बाद हम कलेक्ट्रेट एरिया में आए हैं। यहाँ अंधेरा है काफ़ी घना, सामने आपको दिखाई दे रहा है जूनागढ़ जो रात के अंधेरे में सिर्फ काला काला दिख रहा है। बाहर लाइटें जल रही है, रोशनी है रोड पर, लेकिन भक्त चले जा रहे हैं अपनी ही मस्ती में। एक दो लोग भी उठे हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है। जो पैदल यात्री है उन्हीं का आना जाना यहाँ पे ज़्यादा है। जूनागढ़ के बाद हम आ गए हैं मावा पट्टी और इस पुल को क्रॉस करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन सामने आपको दिखाई दे कुछ सफाई कर्मचारी लगे हैं सड़कों को साफ़ करने। आने जाने वाले यात्री जो सड़कों को गंदा कर देते हैं, ये कर्मचारी सुबह जल्दी उठकर उनकी सफाई करते हैं, तभी जो बीकानेर शहर है वो इतना साफ स्वच्छ है। बीकानेर से निकलते निकलते हमें 7 बज चुके हैं और ये सामने है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। भक्त अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, सूर्योदय हो चुका है, हल्की हल्की धूप है लेकिन बादल भी है साथ में, और ये बहुत ही खूबसूरत सुबह है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के सामने हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, फूलों के पेड़ हैं और ये यूनिवर्सिटी का मुख्य दरवाज़ा है। यूनिवर्सिटी के ठीक सामने बाबा रामदेव जी की बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई है, वो भी बालू मिट्टी से, बालू मिट्टी जो ठहर नहीं पाती है, लेकिन फिर भी किसी कलाकार ने बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया है, जय बाबा की लिखा है। और इसके बाद हमने क्रॉस किया नाल को, ये नाल रेलवे स्टेशन है उसका पुल है, और दूर दूर तक आपको पटरियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ठीक सामने है फन वर्ल्ड जो एक वाटर पार्क है जहाँ आप इंजॉय करने के लिए पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। सभी भक्तों ने लाइन को क्रॉस करते हुए नाल में प्रवेश किया। नाल से निकलकर बड़ी नाल और उससे गजनेर से थोड़ा पहले हमने स्टे किया दिन का। भक्तों के लिए खाना बन रहा है, हलवा, और साथ में बन रही है चाय और कॉफ़ी, तो सेवाधारी हैं वो, काफ़ी सेवा कर रहे हैं भक्तों की। भक्त आने से पहले उनके लिए खाना, नाश्ता, चाय, दूध, कॉफ़ी सब तैयार हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। तो धन्यवाद है इन सबको जो भक्तों की, पैदल यात्रियों की इतनी सेवा करने को तत्पर हैं और इतनी सेवा करते हैं। इसके बाद भक्त लेटे आराम कर रहे हैं, सभी जो भी पैदल यात्री हैं आराम कर रहे हैं नहा धोकर, यहीं नहाना धोना होता है इनका। और उसके बाद होती है यहाँ पर हमारी धूप, कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। ये समय टाइम पास करने का एक अच्छा जरिया है, यहाँ बैठकर चर्चा हो जाती है, साल भर की जो थकान है वो इन 10 दिन में ये उतार लेते हैं, माइंड फ्रेश रहता है और मिलना जुलना हो जाता है। तो एक दूसरे से 10 दिन लगातार रहने से सहयोग की भावना पैदा होती है एक दूसरे के प्रति। यहाँ हमारे सुखी संघ के संस्थापक बाबा की जोत के लिए धूपिया तैयार कर रहे हैं, धूप तैयार कर रहे हैं। ये कंडे हैं गोबर के, गाय के गोबर के कंडे हैं जिनको जलाया जाएगा और इनके आग तैयार की जाएगी, जिसमें फिर जोत घी डालकर जोत ली जाती है। ये भी ईश्वर की कृपा है। यदि आप बीकानेर से रामदेवरा पैदल यात्रा कर रहे हैं तो इस तरह से भक्त आपकी सेवा के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। कहीं कोई आपको चिप्स देने के लिए तैयार है और कोई उनको खाने को तैयार है,
ऐसी बहुत सारी सेवाएं आपको वहां मिलेगी। रास्ते भर कोई आपको मुड़ी देने को तैयार है, ये भेल मुड़ी तैयार हुई है और काफ़ी बांटी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे उत्साह के साथ बांट रहे हैं, ज़बरदस्ती दे रहे हैं कि आप इनको खाएं। जो भक्त दूर से आ रहे हैं, पैदल यात्री, थेला संघ है, वो इनको खाते भी हैं और अच्छी सेवा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। जगह जगह नहीं भाती, वो फिर ऐसे ही पैरों में छोड़ी पड़ी है, जो गलत है। इस तरह धान का अपव्यय करना मूर्खता होगी। जितना भाई उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरह वेस्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद गजनेर के पास हमने टॉल चुंगी को क्रॉस किया और यहाँ बहुत सारे भक्त साइड में लेटे हैं, कुछ बैठे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं चॉकलेट बांट रही हैं, यानी भक्तों की हर तरह की सेवा का ध्यान रखा जाता है। बाबा भी मेहरबान है। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा धूप नहीं है तो पैदल यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती। बीकानेर से यदि आप पैदल जा रहे हैं तो रास्ते में आपको हर तरह की चीज़ खाने को मिल जाएगी। यदि आप कुछ लेके नहीं भी जाते हैं तो सारी व्यवस्था वहाँ पहले से ही बाबा के भक्तों ने कर रखी है। ये छोटे छोटे बच्चे सेव बांट रहे हैं, यानी हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। जो चीज़ आपको खाने की इच्छा हो वो बाबा लेकर, बाबा के भक्त लेकर तैयार खड़े हैं। जय बाबा की बलता, जय बाबा री, बाबो टूट गयो नी। तो इस तरह जयकारे लगाते हुए बाबा के भक्त चले जा रहे हैं। सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता, और जयकारों से पूरा रास्ता गूंजता रहता है। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं और कुछ जो चल नहीं पा रहे हैं उनको इस तरह व्हीलचेयर पर भी लोग ले जा रहे हैं। ये बाबा के प्रति श्रद्धा ही है जो भक्त प्रदर्शित कर रहे हैं। बाबा ज़रूर चमत्कार करते हैं तभी इतनी भीड़ उनके दरबार में जाने को तैयार रहती है, बिना अपने परवाह की, अपने शरीर की। इस तरह आइसक्रीम आपके लिए तैयार पड़ी है, गर्मी में यदि आइसक्रीम खाने की इच्छा है तो। यानी हर चीज़ सेवाधारी जो हैं भंडारे वाले, वो हर चीज़ आपके लिए उपलब्ध रखते हैं। तो आपको सिर्फ खाना है, चलना है, सोना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। मस्ती से आप जा सकते हैं। पानी की भरपूर सेवा है, आपको बार बार याद रखकर पानी पिलाया जाता है। तो इस तरह की सेवा अन्य मेलों में देखने को आपको नहीं मिलेगी जितनी सेवा बाबा रामदेव के दरबार में की जाती है। तो बाबा के चमत्कार है जिस वजह से इतने सारे पैदल यात्री जाते भी हैं और इतनी लोग उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो तीसरे दिन का स्टे हमने यहाँ ले लिया है गजनेर से थोड़ा पहले। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, जो भक्त जा रहे हैं उनकी और जो भक्तों की सेवा कर रहे हैं उन सबकी बाबा मनोकामना पूरी करें। आप घर बैठे पैदल यात्रा का लुत्फ उठाएँ। Oh, 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 oh